बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका ने नवीन मुक्तिधाम राजघाट में पूजा पाठ कर विधि विधान से अस्थियां व राख एकत्रित किए। अस्थियां व राख बहुत ज्यादा थी, उसे जेसीबी और ट्रैक्टर से एकत्रित कर नर्मदा नदी में विसर्जन किया गया। बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान व नगर पालिका टीम ने नवीन मुक्तिधाम राजघाट रोड से पूजा पाठ कर विधि विधान से अस्थियां व राख एकत्रित कर नर्मदा नदी में विसर्जन किया। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार बड़वानी के कई समाज सेवी व पंडित व मृतजनों के परिजन कह रहे हैं कि इस कोरोना आपदा में अपने प्रियजनों को असमय खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से नहीं हो पाया है। उनमें से अधिकांश जनों की इच्छा थी अपने मृत परिजनों की अस्थियां नर्मदा में विसर्जित हों। उन्हीं की इच्छा के अनुसार स्वयं नप अध्यक्ष ने ये कार्य किया। देखिए कोरोना कार्यकाल दर्द भरा था। इसमें कई लोगों के मेरे पास मोबाइल आते थे कि वो विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, न विसर्जन अस्थियां कर पाए थे। इन सब को लेके मेरे पास बार बार मोबाइल आ रहे थे और नगर में भी कई लोगों ने मुझे बोला कि अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए। कई पंडितों ने मुझे राय दी कि आप एक बार इनकी विधि विधान से पूजा करो और पूजा करने के बाद इनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम करो, नर्मदा जी में विसर्जन करो। तो उनकी बात को मानते हुए हमने उनके बताए हुए मार्ग पर चल के और आज हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे पार्षदों के साथ में मिल के पूरी अस्थियों को हम जेसीपी और ट्रैक्टर में ले जाके, जेसीपी के माध्यम से ट्रैक्टर में ले जाके नर्मदा जी में विसर्जन कर रहे हैं। लगभग 5-6 ट्राली राख है, इसको हम पूरी विधान से इसका नर्मदा जी में विसर्जन कर रहे हैं।